तो ये आप सब के लिए मेरी तरफ से फूल, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो को प्यार देते हैं और बहुत दिल से देखते हैं, जो शेयर करते हैं, ये उन सब के लिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? मीट करती हूँ तो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, तो कुछ ठंडा ठंडा ही मौसम है, वो इसलिए क्योंकि बारिश हुई थी हमारे, रात को ज़्यादा नहीं हुई थी, बस कम हुई थी। तो मैं कुछ लकड़ियाँ लेने आई हूँ और मैंने सोचा आपको पता है कि जैसे कि कटाई का मौसम है, गंदम का मौसम है, मैं आपको गंदम भी दिखाना चाह रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो लकड़ियाँ लेने आई थी, लकड़ियाँ भी हम लेंगे। पहले मैं आपको दिखाती हूँ गंदम, हमारी दीवार है, हमारी दीवार के पीछे गंदम है। मैं चढ़ जाऊँ फिर आपको चढ़ाती हूँ। ये देखें गंदम नज़र आ रही होगी आपको, ये सारी गंदम है, मैं दिखाती हूँ आपको कैमरा पकड़ के। ये देखें ये चार दीवारी के अंदर है गंदम, ना यहाँ से चोर आके लेके जा सके ना कोई और। ठंडी ठंडी हवा है, बहुत मज़ा आ रहा है, सुकून की हवा लग रही है, मुझे बहुत सुकून आ रहा है। मैं ठीक कर यहाँ इस पर चार पाई लेके ना सुकून। तो ये चार दीवारी के अंदर गंदम है, ना ही चोर का डर है, ना ही पुलिस का डर है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री है हमको। तो यहाँ हमारे गंदम कोई भी नहीं चोरी करता। तो मैं अब नीचे उतरूँगी, ये खुली है हमारी, ये टूट गई थी हमने यहाँ पे। पहले ना हमारे पास गायें होती थी, हम वो बांधते थे यहाँ पे, तो गायें तो हमने बेच दी थी, तो ये खुली रह गई, ये भी टूट गई है कुछ। तो कल भी एक मैंने इनको चारा डाला, ये जामन है, ये सूख गई है, बिल्कुल सूखी पड़ी है, लेकिन बकरियाँ खा रही हैं। तो ये बकरियाँ बड़ी शैतान है, कहीं की बहुत शैतान है। ये देखिए मैंने ना इनको ये संगलियाँ डाली हैं ला कर, ना इसको भी डाली है मैंने, इसको भी डाल दिया। वैसे देखिए रज्जी पड़ी है माशाल्लाह, मैंने रजाया हुआ है इसको। तो ये भी संगली है, ये रस्से को ना ऐसे चुम्बस बना के बलशर डाल के ऐसे कभी गला खींच लेती थी अपना, कभी पाँव इन्होंने फंसा ली अपने, कभी हम पाँव को भी बांध लेते थे तो पाँव फंसा लेती थी। मैं आपको रस्सी दिखाती हूँ क्या हाल करती हूँ ये रस्सी का। इधर मैंने अभी फेंकी है इनको, डाली है मैंने, ये देखिए इन्होंने रस्सियों का हाल क्या किया, ऐसे ऐसे घुमा लेती हैं पाँव को और गले को, फिर गला ऐसे घूम जाता है। तो इससे ये हमने बेहतर किया है, जान ही छोड़ी है इनकी हमने, ये ऐसे खोल के भाग जाती थी कि हमने ला के संगली डाल दी है। अब कोई टेंशन नहीं है, जैसे मर्जी अपने आप को बल डालें, बल वो निकल जाते हैं। तो दो प्यारे हुए, ये देखिए वो अल्लाह की तरफ से वहाँ पे फूल लगे हैं, कुदरत के फूल लगे हैं, हमने ना लगाए हैं, वो खुद ही निकल गए हैं, खुद ही लग गए। ये हमारी जगह थी, ये देखें ये हमने कितने साल लगाया था, इसलिए है मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, भूल गई, करेला, हाँ करेले की बेल है, बस भूल जाती है। तो ये करेले की बेल है, ये देखें अभी भी है, इस हमने पांच छह बेलें लगाई थी, बस एक बस खड़ी है, ये तो ख़त्म नहीं हुई है। देखिए फूल, ये देखें कितने प्यारे फूल हैं, वाओ, ये देखें रंग बिरंगे कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से, ये हान मांग रहे हैं, मैं इसको दे रही हूँ। देखें ये इसका बी है, देखिए कैसा बी है, गोल गोल, ये इसका गोल गोल है बी, देखिए देखो जी कितने कसम से बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये गुलदस्ते की तरह बने हुए, मैं ज़्यादा सारी तोड़ लूँगी। ये ऊपर डाल बनी हुई है, देखो नीचे की तरफ।
तो ये आप सब के लिए मेरी तरफ से फूल, जो मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो को प्यार देते हैं और बहुत दिल से देखते हैं, जो शेयर करते हैं, ये उन सब के लिए गुलदस्ता सा प्यारा सा मेरी तरफ से कबूल कीजिए। वो फूल कहाँ रखें, इधर आप ले लें। हमारे यहाँ पे गैस नहीं है, हम लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, कांटे भी लगते हैं। तो पहले ये मेरे ना मोटी लकड़ियाँ तो हैं घर में, लेकिन ब्रीक लकड़ी नहीं है। ब्रीक लकड़ियों से ना आग जल जाती है जल्दी, तो मैं इसीलिए ये लेने आई थी ब्रीक ब्रीक लकड़ियाँ। इसे मैं जलाऊंगी आग, मैं घर में छोड़ के आती हूँ। तो ये रास्ता था, यहाँ पे दीवार नहीं थी, दीवार टूट गई थी, हमने ये रास्ता बंद कर दिया यहाँ से, ताकि बकरियाँ कूद के उधर ना चली जाएँ, गंदम ना खा जाएँ, तो ये घास वगैरह छोड़ देती हैं। ये हमने ऊपर डाल डाल के ना दीवार जितनी कर दी है, ये भी मैं डाल के ऊपर डाल दूंगी। जैसे ये कच्ची ऐसे जमा हम ऊपर डाल देते हैं, बड़ी सी हो जाती है दीवार, से बन जाती है। तो कह रहे हैं इसलिए आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी और लगनी चाहिए। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे तो अभी याद है कि अल्लाह हाफिज़।